नमस्कार मित्रों, स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं रविरंजन कुमार, पाठ योजना क्रमांक 8। ऊपर 7 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में तिथि 2/7/2022, कक्षा 10, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिकी, क्लास तीसरी, अवधि 45 मिनट, दिन शनिवार। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय जिस विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, राजकीय महेंद्र माध्यमिक से इंटर कॉलेज जीराधन शिवान, जैसे प्रकरण है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, मुख्य रूप से दो। इसमें पहला है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करना, तीसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति के उत्पन्न करना, चौथा है विद्यार्थियों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी टिंडल प्रभाव का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति विकसित कर सकेंगे, तीसरा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी, चौथा विद्यार्थियों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। सहायक शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक, रोलर, सैंपट आदि, संक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पहले से टिंडल प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना प्रश्न होता है। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया एवं विद्यार्थियों क्रिया। पहला प्रश्न, बच्चों कोई वस्तु का देख पाना किसके द्वारा संभव है, तो प्रकाश के द्वारा। इसमें प्रश्न में क्रम बता रहनी चाहिए, प्रश्न सरल एवं आसान कि विद्यार्थी उसका उत्तर दे सके। दूसरा प्रश्न, प्रकाश के गुण एवं प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं, उत्तर में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, टिंडल प्रभाव आदि। तीसरा प्रश्न, टिंडल प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं, उत्तर में समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन में, प्रिय विद्यार्थियों आज हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण पहले पेज में 2 कॉलम बनाएंगे, पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया, चौथा शिक्षण बिंदु विधि, पांचवा सैंपट कार्य का। शिक्षण बिंदु में टिंडल प्रभाव का परिचय, विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, उत्तर में टिंडल प्रभाव। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, सैंपट कार्य में जब प्रकाश किसी कोलाइडिंग माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, टिंडल प्रभाव को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव को दूसरे शब्दों में टिंडल प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, टिंडल प्रभाव किस भौतिक शास्त्री के नाम पर पड़ा है, तो उत्तर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद टिंडल प्रभाव स्पष्टीकरण व्याख्या, छात्राध्यापक कथन, कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव की परिघटना निम्न उदाहरण द्वारा देखा जा सकता है, जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन इन कणों द्वारा कणों को दृश्य बनाता है। दूसरा उदाहरण है, जब किसी घने जंगल की वितान यानी केनोफी
से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। तीसरा उदाहरण है टिंडल प्रभाव का। पृथ्वी का वायुमंडल धुआं के महीन कण, जल की सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण, वायु के अणुओं का विषमांगी मिश्रण है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना ही कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। इसलिए बैंगनी नीला रंग का आकाश प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि वगैरह व्याख्यान विधि श्यामपट कार्य में इस प्रभाव का नाम यानी टिंडल प्रभाव का नाम 19वीं शताब्दी के भौतिक शास्त्री जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। पुनरावृत्ति प्रश्न में छत्राध्यापक क्रिया। पहला प्रश्न टिंडल प्रभाव क्या है, तो विद्यार्थी क्रिया में उत्तर में कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। दूसरा प्रश्न टिंडल प्रभाव को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, टिंडल प्रकीर्णन कहा जाता है। गृह कार्य में पहला प्रश्न टिंडल प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित लिखें। दूसरा प्रश्न टिंडल प्रभाव को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, उसके नीचे बाईं ओर छत्राध्यापक का हस्ताक्षर एवं दाहिनी ओर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, दूसरे पेज में प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। धन्यवाद।